नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉस पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे HPSC के द्वारा हाल ही में जो तीन महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं, और अगर आप इन तीनों नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब यह जो HPSC जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं और इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अनाउंसमेंट का, तो यहीं पर जाए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो नोटिस रहेगा अनाउंसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइकोलॉजी एडवर्टाइजमेंट 3/10/2016। दूसरा जो नोटिस है यहाँ पर, ये रिजेक्शन को लेकर है, रिजेक्शन फॉर द पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर ये इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में। और तीसरा जो यहाँ पर रिगार्डिंग यहाँ पर ऑनलाइन फॉरम पोस्ट है, यहाँ पर SCS जुडिशियल ब्रांच ये मेन एग्जाम 2021 को लेकर। तो ये जो है हाल ही में तीन महत्वपूर्ण अपडेट हाल ही में जारी हुई है, और अब जब हम इनको बारी बारी से देख लेते हैं, तो जैसे जब हम यहाँ पर पहले वाला जो नोटिस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस ये आ जाएगा। तो ये नोटिस आपका यहाँ पर आ चुका है, इट इज़ हेयर बाई अनाउंसमेंट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर दैट द कमीशन हैज़ डिसाइड टू कंडक्ट ए रिटन टेस्ट। तो इनका एग्जाम होगा और ये आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में, एफसल मधुबन करनाल एडवर्टाइजमेंट, और कॉन्ग्रेटम डेट थी 14/1, और एग्ज़ाम है आपका ये 26 तारीख को, 26/3/22 को एग्ज़ाम है 11 से 1 बजे तक। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम कमीशन वेबसाइट। तो 16 तारीख से आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड ये आ जाएंगे, 16 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, आप ये पढ़ सकते हैं, इट इज़ मेड क्लियर दैट ऑल कैंडिडेट्स हू हैव अप्लाइड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर प्रोविजनली अलाउड टू अपियर इन द रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर एडवर्टाइजमेंट। और एलिजिबिलिटी ऑफ द कंडीशन हु विल बी डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू विल बी चेक लेटर। और ये आप नोट देख सकते हैं, एडमिट कार्ड को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट एडमिट कार्ड दे में डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड टेक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ऑफ द सेम ऑन A4 साइज पेपर। तो A4 साइज पेपर पर ये होना चाहिए, सो दैट देयर फोटो एंड अदर पर्टिकुलर्स कैन इजीली बी सीन ये वेरीफाई। और कैंडिडेट हैविंग स्मॉल साइज एडमिट कार्ड विद एलिजिबल फोटो सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम। तो A4 साइज पर आपके साफ साफ फोटो साइन वगैरह सब कुछ जो उस पर होना चाहिए, अगर इस प्रकार साफ नहीं दिखाई देगा तो ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान यहाँ पर जरूर रखें। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। तो ये तो यहाँ पर पहला नोटिस है एडमिट कार्ड को लेकर, एग्जाम को लेकर। साइट पर हम वापस चलते हैं और दूसरा जो नोटिस आया है उसको देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो दूसरा जो नोटिस है ये आ चुका है अनाउंसमेंट, देख सकते हैं आप। और इट इज हेयर बाय अनाउंसमेंट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर, और इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट हरियाणा वाइड एडवर्टाइजमेंट इतना, और 7 कैंडिडेट हैव फाइनली बीन रिजेक्टेड। 7 कैंडिडेट जो यहाँ पर ये रिजेक्ट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 7 कैंडिडेट हैं रोल नंबर वगैरह, और दिस कैंडिडेट हैव ऑलरेडी बीन गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट देयर प्रपोज रिजेक्शन एंड आफ्टर कंसिडर देयर रिप्रेजेंटेशन। तो इनको जो पहले भी नोटिस आया था, अगर किसी को कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगता है तो ईमेल वगैरह करे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो 7 कैंडिडेट जो ये यहाँ पर रिजेक्ट बताए गए हैं, और द रीजन फॉर रिजेक्शन इज बीइंग कन्वेड टू ईच कैंडिडेट इंडिविजुअली ईमेल फादर, इट इज हेयर बाय डायरेक्टेड दैट नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट देयर फाइनल रिजेक्शन। तो इसके पास मैसेज वगैरह भी आ चुका होगा, तो पहले भी जाए लेटर यहाँ पर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था, तो रिजेक्शन को लेकर यहाँ पर जारी हुआ है, ये 7 कैंडिडेट हैं। और साइट पर हम वापस चलते हैं और नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस आया है ये SCS वाला, इसको देख लेते हैं।
ये आपका यहाँ पर नोटिस आ चुका है और आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट, और इट इज़ ए हेयर बाय अनाउंसमेंट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर मेन एग्जाम एस एस जुडिशियल ब्रांच 2021। इसका हाल ही में जो रिजल्ट भी रिवाइज हुआ था। तो जो अब मेन के लिए जहाँ यहाँ पर बात हो रही है, दैट कीपिंग इन व्यू कन्वेंस ऑफ द कैंडिडेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेन एग्जाम आर इन्वाइट फ्रॉम 16 से 25। तो डॉक्यूमेंट जो आए इन्हें दोबारा अपलोड करने होंगे दोबारा से, और समय यहाँ पर आपके लिए बताया गया है 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का, 16 दिन से 25 दिन के बीच में आपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर देने हैं। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी लिंक गिवन ऑन HPSC वेबसाइट एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर मेन एग्जाम वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर दी लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और द सैड वेब लिंक विल डिसेबल आफ्टर 25/3/22। तो 16 तारीख से आपका यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा और 25 तारीख तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद जाए काम नहीं करेगा। तो जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है ये अपलोड कर दे इससे पहले। और कुछ नोट दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनी और डॉक्यूमेंट टू द कमीशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपने सेंड वगैरह नहीं करने हैं और ऐसे ही ऑनलाइन अपलोड करने हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट विल सेंड हार्ड कॉपी ऑफ हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम विल नॉट बी रिटर्न बाय द कमीशन, हाउएवर दे कैन रिटेन द हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अदर ऑन रिकॉर्ड। तो ये आपने ऑनलाइन जो है यहाँ पर करना है काम 16 से 25 तारीख के बीच में। तो ये जो है हाल ही में 3 महत्वपूर्ण नोटिस हाल ही में HPSC के द्वारा जारी किए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।